हम और आप जो बात कर रहे हैं, जो आज का नैरेटिव है, ये कल का इतिहास बनेगा। इतिहास रीराइट नहीं किया जाता है, इतिहास को बदला नहीं जाता, इतिहास को बदलना आसान भी नहीं है, इतिहास बनाना पड़ता है। ये पहली बार नहीं है कि इस देश में गांधी को गाली दी जाएगी और इस देश के बाहर जाकर प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी वैधता पाने के लिए गांधी के आगे ही सर झुकाएगा। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइफ टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कुछ दिन पहले अमित शाह ने बयान दिया कि इतिहास जो है वो अलग चश्मे से देखकर लिखा गया, जबकि इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास आंखों देखा होता है, जो दर्ज होता है, जो आने वाली पीढ़ी पढ़ती है, समझती है उसे, और जो इस वक्त ढल रहा है वो आने वाले समय में, आने वाले कालखंड में उसे जो लोग पढ़ेंगे, जो हम लिखेंगे, जो बताएंगे, वो उन्हें जानकारी होगी। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया, अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि इतिहास उनके चश्मे से लिखा गया। अमित शाह ने कहा लेकिन अब हमें कोई नहीं रोक सकता, इस तरीके की भाषा उन्होंने बोली थी। अब उसी को लेकर, उसी बात को लेकर सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदे घेरा है बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, और जो टिप्पणियां की है वो मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। पहले उन्होंने शुरुआत में कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, इतिहास के बारे में जो लोग टिप्पणी करते हैं उनको इतिहास वाकई में पता ही नहीं है। और क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा कि मैं हिस्ट्री से एमए हूं, मतलब डिग्री है उनके पास, इतिहास का उन्होंने पढ़ा है, स्टडी की है, उसके बाद उन्होंने चीजें बताई हैं और रखी हैं चीजें इंडिया टीवी के डिबेट पे। पहले उन्होंने कहा कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, और अगर इतिहास के बारे में इतना ही वो है तो गोडसे के समर्थन करने वाले लोग यहां समर्थन करते, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर जाना होता है, देश से बाहर जाते हैं, तो वहां पर महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं, वहां स्वच्छ भारत मिशन में महात्मा गांधी की तस्वीर और उनके चश्मे से बनाई गई योजना चलाई जाती है, उसका जिक्र वहां पर किया जाता है, नेहरू का जिक्र होता है। लेकिन देश में क्या होता है, देश में अलग चीज रूपरेखा तैयार की जाती है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है तो उसमें नेहरू जी की तस्वीर नहीं लगाई जाती है, महात्मा गांधी जी का कोई जिक्र ज्यादा नहीं किया जाता है। तो ये सब क्या है, जबकि गोडसे हर बार गोडसे की पूजा की जाती है, गोडसे की आरती उतारी जाती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कई सारी खबरें हमने आपको दिखाई हैं, तो अब जरा हम आपको वीडियो भी दिखाना चाहते हैं, उस डिबेट का कुछ अंश भी दिखाना चाहते हैं, जिस अंश को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से इतिहास को बदलने की कोशिश जो है की जा रही है। देखिए, पहले बात में उन्होंने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, सुनिए जरा। आपको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ, और वो बात बहुत जरूरी है क्योंकि लोग समझे कि इतिहास क्या है, और हम और आप जो बात कर रहे हैं, जो आज का नैरेटिव है, ये कल का इतिहास बनेगा। इतिहास रीराइट नहीं किया जाता है, इतिहास को बदला नहीं जाता, इतिहास को बदलना आसान भी नहीं है, इतिहास बनाना पड़ता है। और महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने इस देश में इतिहास बनाने का काम किया है। तो सुन लिया आपने। उसके बाद उन्होंने कहा कि नेहरू हो या गांधी हो, दोनों लोगों, उनके बातों का जिक्र देश में नहीं किया जाएगा, देश में उनके बारे, उनके हत्या करने वाले लोगों का समर्थन तक कर दिया जाएगा, आरएसएस और बीजेपी ले सब कर देंगे, लेकिन बाहर जब प्रधानमंत्री जी जाएंगे तब नाम लेना पड़ेगा, तब कहना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा कि गांधी जी ने देश के लिए ये क्या, गांधी जी की वजह से बाहर देश में विदेशों में नाम होता है। देखिए जरा, सुनिए। और लकीर इतनी लंबी खींच दी है, चाहे वो नेहरू हो चाहे वो गांधी हो, कि उस लकीर के करीब भी नहीं पहुंच सकते हैं भाजपा या संघ के लोग, जो उनके उनके उपलब्धियों को मिटाना चाहते हैं। आज यह पहली बार नहीं है, यह पहली बार नहीं है कि इस देश में गांधी को गाली दी जाएगी और इस देश के बाहर जाकर प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी वैधता पाने के लिए गांधी के आगे ही सर झुकाएगा। यह पहली बार नहीं है कि गोडसे के उपासकों के साथ खड़ा रहा जाएगा और पाठ विश्व हमारे प्रधानमंत्री को खुली सभा में गांधी का पढ़ाता है। सुन लिया आपने। उन्होंने कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने, कि ये लोग देश की आत्मा है, ये देश के लोकतंत्र की आत्मा है, ये लोग जिनका जिक्र किया जा रहा है, नेहरू हो, गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भगत सिंह हो, ये सब देश की आत्मा है। इन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 10 साल तक नेहरू जेल में रहे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में उनका जिक्र नहीं है, उनका जिक्र किया ही नहीं जाता। और अमित शाह जी पता नहीं कौन से इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। उन्होंने बकायदे ये बात कही कि मैं हिस्ट्री से हूं, मैंने एमए किया है हिस्ट्री से,
और इस बात को बखूबी समझती हूं किस तरीके से इतिहास में क्या क्या चीजें हुई हैं, और जिस तरह से नेहरू जेल में रहे और देश के मतलब उन लोगों को हम कैसे भुला सकते हैं, उन लोगों का आजादी अमृत महोत्सव कर मनाया जाता है, उसमें पोस्टर्स में जगह तक नहीं दी जाती, कैसे भूल सकते हैं सब, क्या हो रहा है देश में, जरा सुनिए कैसे सुप्रिया श्रीनिधि सवाल करेंगे। ये लोकतंत्र की आत्मा वाले लोग हैं, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बाबा साहेब हो, इनकी मुकाबला करना किसकी और कहां की बात है। मैं इतिहास की स्टूडेंट रही हूं, एमए इन हिस्ट्री किया है मैंने, और मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर कि हिस्ट्री व्हाट्सएप और फेसबुक पर नहीं आती है, क्योंकि जिस हिस्ट्री का जिक्र यहां पर किया जा रहा है वो व्हाट्सएप और फेसबुक की हिस्ट्री है। कोई जासूसी कभी नहीं कराई थी। बोस जी की लड़की ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उनकी मां को और उनके परिवार को आर्थिक सहायता भेजते रहे पंडित नेहरू। जब कमला नेहरू की तबियत बिगड़ी तो सबसे पहले वियना में उनकी बॉडी के पास पहुंचने वालों में सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने INA में रेजिमेंट्स का नाम गांधी और नेहरू पे रखा। अगर वैमनस्यता होती तो वो ऐसा क्यों करते। सुना आपने किस तरीके की चीजें हो रही है, क्यों फोटो नहीं लगाया जा रहा, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री को भूल जाएंगे? क्या नेहरू के योगदान को भूल जाएंगे? क्या कह देंगे कि गलत इतिहास देश को पढ़ाया गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यही सवाल जो है सुप्रिया सुनीत ने पूछा है कि फोटो क्यों नहीं लगा। देखिए, आप लाइट एंड साउंड शो से नेहरू का नाम निकाल देंगे, आप लाइट एंड साउंड शो में गांधी को एक लाइन में समेट देंगे, आप आजादी का अमृत महोत्सव का ICHR पोस्टर निकालता है उसमें 8 लोग हैं, 8 लोगों में से एक भी नेहरू नहीं है। नेहरू ने इस देश में 10 साल जेल में बिताए आजादी के आंदोलन के दौरान, अपना सर्वस्व नौछावर किया, इस मॉडर्न भारत की नींव रखी और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। क्या उनकी एक तस्वीर ICHR के पोस्टर में आजादी के अमृत महोत्सव में नहीं आ सकती थी? और अंत में जो बात सुप्रिया सुनीत ने खड़ी की, जिस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जो इमारतों से देश नहीं बनता है, इरादों से देश बनता है, देश इतिहास जो है इरादों से बनता है, ये बात बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश RSS और BJP वालों को की है सुप्रिया सुनीत ने। जरा मैं वही कहती हूं, आप ये सब करिए, ये छोटे मन से ये तुच्छ किए हुए काम है। महापुरुषों के योगदान को आप इतिहास से मिटा नहीं सकते, और इतिहास इमारतों से नहीं इरादों से बनता है। सुप्रिया, इरादे बुलंद कीजिए। तो सुन लिया आपने किस तरीके से सुप्रिया सुनीत ने एक एक मुद्दे को, एक एक बातों को विस्तृत रूप से जो है उठाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है। जो लोग इतिहास पर सवाल उठाते हैं, दरअसल वो लोग भी वही काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम लेना पड़ता है बाहर विदेशों में जाके, नेहरू जी का जिक्र करना पड़ता है, लेकिन हाँ देश में ऐसा नहीं होता है। देश में क्या होता है, महात्मा गांधी के हत्यारों की पूजा होती है, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। गोडसे को भगवान बताया जाता है एक तरीके का, गोडसे की आरती उतारी जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। बापों के हत्यारों के साथ इस तरीके की चीजें होंगी और सब शांति बनी रहेगी, तो सवाल तो पूछा जाना है। और एक पुस्तक के विवेचन में पहुंचे थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि अहिंसक संघर्ष का भारत की स्वतंत्रता बड़ा योगदान था, लेकिन वर्तमान में नैरेटिव बनाया कि इसमें दूसरों की कोई भूमिका नहीं थी, सही नहीं है। शाह ने कहा कि अगर सशस्त्र क्रांति की समानांतर धारा शुरू नहीं होती तो आजादी पाने के कई दशक लग जाते। हमें समझना होगा कि हमें स्वतंत्रता अनुदान के रूप में नहीं मिली है, ये लाखों लोगों के बलिदान और रक्तपात के बाद मिली है। आज जब मैं कर्तव्य पथ पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखता हूं तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। जो ये टिप्पणियां कर रहे थे आपने, मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी किस तरीके से जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में टिप्पणी की जा रही थी, सुभाष चंद्र बोस से नेहरू जी की वो मतलब मतभेद थे, अगर मतभेद होते तो क्यों वो पहुंचते, जब पुण्यतिथि पर क्यों पहुंचते, ये बात भी उन्होंने बताई सुभाष चंद्र बोस पुण्यतिथि पर क्यों पहुंचते। लेकिन ये जो इतिहास में कहा गया, देखिए आगे कहा कि द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम के विमोचन अवसर पर अमित शाह ने कहा कि अदर स्टोरी शब्द इस पुस्तक का सारांश है। आजादी की कथा में एक नैरेटिव को जनता में वर्षों से स्थापित किया गया है, इतिहास लेखन और शिक्षा के माध्यम से जनता इस पर दृष्टिकोण को थोपा गया है। ये सब कहा जा रहा है कि जनता को गलत इतिहास बताया गया है, जबकि शायद इतिहास की सही जानकारी नहीं है, इसीलिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। तो द लाइव ट्यूब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।